नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं करेज टू बी डिसलाइक बुक का थर्ड नाइट, जिसके हम पहले दो चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। तो सो फार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दूसरे तीसरे दिन मैं वीडियो बनाता रहूँ, ऑडियो वीडियो, या पहली बार मैं ये वीडियो ट्राई कर रहा हूँ, तो मेरा बड़ा अजीब लग रहा है खुद को देखने में, पर शायद इससे फ़ायदा ही हो कुछ ना कुछ, है ना। कुछ कैसे वीडियो फेस करते हैं, ये मेरे में ये टैक्टिक्स नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये भी मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आप सभी का बहुत शुक्रिया इस तरह का मौका मुझे देने के लिए। और चलिए अभी आगे पढ़ते हैं कि क्या है इस बुक में। और सो फार हमने पढ़ा है काफ़ी सारी जो डीप चीज़ें हैं हमारी लाइफ की, जो हम इग्नोर कर देते हैं ऊपर ऊपर के लेवल से। हम कभी बीच जाके डीपली सोचना नहीं चाहते कि हाँ, इस पर्सपेक्टिव को भी देखें, खुद की जो आर्गूमेंट्स हैं उनको चैलेंज करके देखें, जो हमारी ट्रेडिशनल सोच है उसको थोड़ा साइड रख के इसको सोच के देखें तो कैसे होता है। जो हमारी ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है उसको साइड पर रख के इस साइकोलॉजी को सोच के देखें तो कैसा होता है। क्या हमें आंसर्स मिलते हैं? क्या क्या हमें रैशनल वे में आंसर मिलते हैं जो हमें समझ भी आते हैं? तो जैसे रहता है कि कोई चीज़ जानना या मानना, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा अलग अलग वीडियोज़ में। जैसे विपासना मेडिटेशन के हमारे संस्थापक थे जो एस एन गोयनका जी, उन्होंने ये टर्म यूज़ की थी कि जानना और मानना दो अलग चीज़ें हैं। कि कोई चीज़ आपने पढ़ लिया, आप कह देते हैं कि ठीक है, मैं तो मतलब मुझे पता है, और हम बड़ी शेखी मारते कि यार मेरे को ये नॉलेज है, ये बहुत है। तो वो चीज़ बेसिकली ऊपर ऊपर से होती है, बस उसको आप समझते हो, मानते हो, वो आपके अंदर नहीं गई है। तो जानना मानना रिलेटिव टर्म है, आप उसको कैसे यूज़ करते हो। बट जब आप उस चीज़ को का अध्ययन करते हो, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते हो, प्रयोग करते हो, बार बार उसको रिपीट करते हो, तो आपके वो जहन में जाती है। जब जहन में जाती है तो आप में वो दृढ़ होती है, तब आप बेसिकली टेक्निकली उसको जानते हो, ठीक है। तो इस जो बुक का जो, जैसे हमने पहले भी बात की है, बुक का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो यही है कि आपने ये चीज़ें डिस्कशन के माध्यम से समझनी है। ये नहीं कि ये बुक ने जो लिख दिया है आपने समझ लेना है। पहली बात तो इस बुक ने लिखा है इस ढंग से है कि दो बंदों के बीच में संवाद है, एक दार्शनिक है और एक है उसका नॉट चेला बट एक युवा व्यक्ति है जो उसके साथ कॉन्वर्सेट कर रहा है। तो उनमें हमें लगता है कि एक चीज़ पे वो डिस्कस कर रहे हैं, बट वो इतनी परतें हैं, इतनी परतें उसके नीचे जा जाके खोदते हैं कि हमें पता लगता है कितनी सारी चीज़ें रिलेटेड है, और अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश वो करता है। तो नॉट ओनली बस इसको सुनने से, इसकी एग्जाम्पल को इस बुक में जो एग्जाम्पल है उसके लेने से, बट हम इसके बारे में जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, इसके बारे में हम अपने दोस्तों से बात करें, उनके साथ चर्चाएं करें, ठीक है, और लेयर खोलें, अपनी एग्जाम्पल्स दें, उसको रिलेट करवाएं, तो हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में रहे हैं ना, चैप्टर नॉट चैप्टर टू बट सेकेंड नाइट में हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में रहे, तो हमने देखा कि भाई इंटरपर्सनल रिलेशन जब से शुरू हुआ है हर चैप्टर में उसकी बात हो रही है। और पहले 3-4 चैप्टर में ही लगा कि हमें आंसर मिल गया इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में। तो जितना ज़्यादा हम खोदते जाते हैं उतना वो अंदर तक दिखता जाता है कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मैनेज कैसे करना है। क्योंकि ये तो हम अभी समझ ही चुके हैं कि जो सभी प्रॉब्लम की जो जड़ है इस दुनिया में, है ना, वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। तो खैर मैं इस पे अभी ज़्यादा नहीं बात करूँगा, मैं सीधा आज के चैप्टर्स की तरफ रुक करूँगा। उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको पिछले चैप्टर्स के बारे में बताऊँगा ताकि हम एक लिंक बना पाएँ पिछले और नए चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है, मुझे देखने दीजिए, उसका नाम है हाउ टू सेपरेट टास्क। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो हमें काफ़ी चीज़ें समझाएगा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कैसे हम सही तरीके से रख सकते हैं, कैसे हम इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के द्वारा उत्पन्न हुई प्रॉब्लम्स को हम उनसे बच सकते हैं। तो चले इसके पहले हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक रफ ब्रीफ सा आइडिया लेते हैं कि हमने पहले चैप्टर्स में क्या पढ़ा है थर्ड नाइट के। तो
जब सेकेंड नाइट खत्म हुई थी तो फिलोसफर ने एक पॉइंट पे इसको लाके रखा था कि फ्रीडम क्या है, चलो फ्रीडम के बारे में चर्चा करते हैं। और उसने कहा था कि तुम भी सोचना, यानी युवा को उसने बोला था कि तुम भी सोचना। तो युवा सोच रहा था भाई कि फ्रीडम क्या है, लोग फ्री क्यों नहीं हो सकते, मैं फ्री क्यों नहीं हो सकता, या मेरे को आजाद होने से कौन रोक रहा है। तो ये सारी बातें वो सोच रहा था, पर उसके बाद कोई ढंग का जवाब नहीं आया था। तो उस चीज को डिस्कस करने से पहले फिलोसफर एक और चीज यहाँ पे छेड़ देता है, मतलब वो बातों बातों में पहुंचते हैं कि हमने जो रिकॉग्निशन की जो डिजायर है कि मान सम्मान हमें मिले, उसको डिनाई करना है, उसको मना करना है। तो उसमें वो काफी सारी चीजें शेयर करता है, जैसे हम अपने आप में अगर सोचें, हम में हमेशा एक भावना रहती है कि यार कोई हमें मान सम्मान दे। जैसे मैंने कोई अच्छा काम किया, कोई ढंग का काम किया समाज के लिए, किसी एक व्यक्ति के लिए, तो मेरे सबकॉन्शियस में एक रहता है कि यार मतलब एक रिवॉर्ड टाइप चीज़ रहती है कि मैंने काम किया, अब लोग मेरे को बड़ा अच्छा बोलेंगे, है ना। जैसे मैंने किसी के दान दिया है ना किसी के सामने, और चार लोग मेरे बारे में बोलेंगे वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो इससे मैं एक बहुत मोटिवेटेड भी फील करता हूँ, खुश भी फील करता हूँ। पर यहाँ पे फिलोसफर एक बहुत बड़ी बात बोल रहा है कि अपने इस तरह की मान सम्मान की जो इच्छा है उसको डिनाई करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपका अच्छा काम सिर्फ इसी चीज से रिलेटेड है, इसी चीज से मोटिवेट हो रहा है कि अगर मैं अच्छा काम इसलिए करूंगा क्योंकि मुझे मान सम्मान मिलेगा, तो आप बस उसी लूप में फंस जाएंगे। आप दुनिया के लिए चलना स्टार्ट कर देंगे कि आपको मान सम्मान मिलेगा किसी काम के लिए जो शायद आप करना भी नहीं चाहते, बट आप फिर भी उसमें फंसते रहेंगे और अपना टाइम जाया करते रहेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे यूथ के केस में था कि जो उसके पेरेंट्स है वो उसे चाहते थे कि इस यूनिवर्सिटी में पढ़े वो, बट यूथ नहीं चाहता था, वो चाहता था वो कुछ और करे, किसी और यूनिवर्सिटी स्कूल में जाए। पर उसने फिर भी चूज किया अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उसको था कि अगर मैं उनकी बात मानूंगा तो वो उसको रेकोगनाइज करेंगे, मतलब उनके सामने उसकी जो ये छवि रहेगी, और इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं वो एक रेकोगनीशन चाहता था अपने पेरेंट्स से अपने आप के लिए। बट उस रेकोगनीशन के चलते उसने वो चीज नहीं की जो उसको दिल से करनी चाहिए थी। ठीक है, तो अब यूथ भी एक आर्गूमेंट देता है, मे बी आप में भी आप में से भी कोई ये आर्गूमेंट सोचे कि हमने जो जो हमें ऐसा लगता है कि यार जो डिजायर है रिकॉग्निशन की, यही एक नेचुरल चीज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। यानी अगर ये ना हो तो हम तो कहें यार छोड़ क्या करना है कोई काम। ठीक है, तो इसके बारे में बातें हुई। फिर नया चैप्टर था कि डू नॉट लिव टू सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेशन ऑफ अदर्स, कि दूसरों की एक्सपेक्टेशन को संतुष्ट करने के लिए मत जियो। ठीक है, सिर्फ उसी लूप में मत घूमते रहो कि यार अब इसने कुछ काम कहा है, मेरे बॉस ने कुछ काम कहा है तो चलो कर देते हैं, अगर आपका मन है या नहीं है ये अलग बात है, बट हमें उससे संतुष्ट करना है। तो इसके बारे में भी हमने काफी चर्चा की। तो इसमें ये बड़ा क्वेश्चन आया था जो फिलोसफर बोल रहा था कि लोग रिकॉग्निशन चाहते ही क्यों हैं एक दूसरे से। तो इसमें युवा ने बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन के बारे में, नहीं ये सॉरी ये फिलोसफर ने रेस किया था कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट की जो लूप है ये इसका जिम्मेदार है। कैसे? जैसे हम छोटे थे तो क्लास में अगर हमने 10/10 ले लिए तो हमें तालियां मिलती थी और हर एक बंदा अप्रिशिएट करता था, ए प्लस स्टार बना बना के, है ना, हमारी कॉपी पे मिलते थे। और जब स्टार मिलता था तो वो दिन ही अजीब होते थे, अजीब इन द सेंस बहुत अच्छे होते थे, बहुत अच्छी फीलिंग आती थी उस दिन की यार आज तो स्टार मिला है, ऐसे मतलब मैं तो दुनिया का बादशाह या रानी बन गई हूँ। पर जिसको बेचारे को 2 नंबर या जिसके आते ही 2 नंबर थे उसको 8 डंडे पड़ते थे और वो डंडे उसकी पनिशमेंट होती थी। तो ये इस तरह का जो कह लो अपब्रिंगिंग है, जो इस तरह का करिकुलम है कि आपने कुछ अच्छा किया तो आपने अच्छे मार्क्स लाए तो आपको अच्छा सुनने को मिलेगा, आपने बुरे मार्क्स लाए तो आपको बुरा मिलेगा, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे हम ऐसे बनते हैं कि हम अच्छा तभी करेंगे जब हमें अच्छा कोई बोलेगा,
जब हमें रिकॉग्निशन मिलेंगी, और हम बुरा अगर हमें वो नहीं मिल रहा तो उसके ऑपोजिट हम करेंगे, पर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल से एक्चुअल में ऐसा नहीं होने चाहिए। अगर हम इसी तरह अपने आप को अपब्रिंग अपने आप को मतलब अपना अपब्रिंगिंग किए हैं, ठीक है, अपनी माइंड को इसी तरीके से हमने डेवलप किया है, तो हम उसी लूप में फंसे रहेंगे, तो हम कभी उस जगह पे मदद नहीं कर पाएंगे लोगों की या समाज की जहाँ पे हमें मान सम्मान जो है नहीं मिल रहा है। तो इसको पढ़ा हमने और इसमें हमने काफी डिस्कशन की थी, और इसके बाद यूथ ने आर्गुमेंट दिया था कि यार चलो पैसे की बात करते हैं, शायद लोगों को पैसा चाहिए, वो इसलिए है ना दुनिया की मदद करते हैं, या वो ऊपर से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, उनको रिकॉग्निशन चाहिए कि आज मैनेजर बन गया, आज उसके ऊपर बन गया, आज सीईओ बन गया कल को, तो शायद वो चाहते हैं। पर फिर फिलोसफर बोलता है कि यार इतना सब कुछ बन के भी पैसा तुम्हारे पास सब आ गया, पर क्या तुम खुश हो? तुम्हारे पास कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे यार इतना पैसा आने के बाद भी लोग खुश हैं? तो हम भी अगर इर्द गिर्द अपने देखें लोगों को, या आए दिन हम न्यूज़ देखें, तो बड़ा साधारण सी बात है कि अगर किसी के पास पैसा आ जाए तो भी वो खुशी शायद नहीं प्राप्त करता, शायद नहीं मतलब जरूरी है कि वो प्राप्त नहीं करता। तो पैसा भी उसको वो चीजें नहीं दे रहा, तो फिर भी वो उस कॉरपोरेट लेडर में क्यों चढ़ी जा रहा है? क्यों क्यों वो अपने आप को निरंतर बढ़िया बनाना चाहता है? तो उसका जो जिसका आंसर है वो है डिजायर ऑफ रिकॉग्निशन, कि अगर वो ऊपर चढ़ता जाएगा तो उसको रिकॉग्निशन मिलती जाएगी। और कई जगह आपने देखा हो कई बड़े वॉलंटियर टाइप काम करते हैं हमारे समाज में भी, है ना, आप अपने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं हमारे गांव में या शहरों में जहाँ पे पैसा पुसा कुछ नहीं मिलता, बस एक सम्मान मिलता है। अब हमारे ले लो नंबरदार सब सरपंच हमारे गांव में होते हैं, उनको क्या पैसा मिलता है? करप्शन को एक साइड रखते हैं, उसके बारे में हम भूल जाते हैं, उनको क्या मिलता है? 1200 रुपये महीना और या फिर 2000 रुपये महीना, है ना, बट उनको पैसा तो कुछ नहीं मिलता उस काम के लिए, बट हर बंदा ही उसके घर चला है, भाई साइन करवा दे, ये तस्दीक कर दे, ये कर दे, वो कर दे, तो वो सब ये काम क्यों कर रहे हैं? समाज सेवा हो सकती है, कोई बड़ा भाई ट्रू बंदा हो जाके वो समाज सेवा के लिए भाई कर सकता है कि चलो मेरे को देश के लिए कुछ करना है, अपने गाँव के लिए कुछ करना है। बट ज्यादातर केसेस में वो होता है डिजायर फॉर रिकॉग्निशन, कि उसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि नंबरदार है भाई, इसका हाथ में पावर है, तो लोग उसके आगे पीछे घूमेंगे, उसकी जय जयकार करेंगे। सेम ही सरपंच। खैर इसमें मैं ज्यादा नहीं जाता, आगे हमने बात की तो यूथ को लगा कि यार तुम जो भी बोल रहे हो ना वो आईनेस की तरफ बढ़ रहा है, कि हम अगर किसी की तरह मोटिवेट ना हो, कोई हमें कहे कि भाई ये काम कर तो अच्छा तुम्हें बोलेंगे, मतलब कोई कहता नहीं है मतलब उसके बैकग्राउंड में, तो इस तरीके से तो हम दुनिया से डिटैच हो जाएंगे, है ना। अगर हम इस लूप से ही बाहर आ गए तो हम तो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए कि जब हमारा मन करेगा हमने किया काम कोई, और ऐसा मैं क्या सेल्फिश नहीं बन जाऊंगा? तो ये बड़ा क्वेश्चन था, ये भी मतलब मैंने भी ऐसे सोचा था जब मैं पढ़ रहा था इस चीज़ को, कि अगर मैं इस लूप से बाहर आ जाऊं किसी ने रिकॉग्नाइज किया तो मैं काम कर रहा हूं, अगर मैं इससे बाहर आ जाऊं और सिर्फ अपने आप में ही सोचूंगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो एडलेरियन साइकोलॉजी में इसका भी सोल्यूशन है, उसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क, यानी टास्क यानी कार्य, मेरे कार्य किसी और के कार्य, अलग अलग कार्य। जैसे यहाँ पे मेरा कार्य है मैं बता रहा हूँ, मैं इस बुक को बोल रहा हूँ, बट मेरा कार्य ये नहीं है कि आप इस बुक को समझें या आप इस बुक को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको एग्जैक्टली समझें और अपनी लाइफ में फॉलो करें, ये मेरा कार्य नहीं है। मेरा कार्य है इस बुक की ट्रांसलेशन करके आपके सामने इसको डिस्कस करना, दैट्स इट। इसको हम और बेहतर से समझेंगे इस 3 चैप्टर्स में जो आप हम पढ़ने जा रहे हैं। माफ़ करना ये वीडियो जो है बहुत लंबा, ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं, मैं बैकग्राउंड में डिस्कशन किए जा रहा हूँ, पर
मेरे को लगता है कि एक बैकग्राउंड अगर हमारे बन जाए ना, तो हम शायद अच्छे से रिलेट जो है कर पाते हैं जो आगे हम बोलने जा रहे हैं। तो यूथ ये सब के सोच के ना बड़ा प्रॉब्लमेटिक था यार। सेपरेशन टॉक एक नई टर्म ले आया, अब मैं इसके बारे में क्या सोचूं? बट सेपरेशन टॉक से ये हमें टास्क से हमें ये समझ लगेगा कि ये बैलेंस कैसे लेके आना है, कि आईनेस में भी नहीं रहना है और लोगों की तरफ भी नहीं पूरा लेके चल जाना है, तो एक बैलेंस कैसे लेके आना है। तो अब वो आगे हम आज आज के चैप्टर पे चलते हैं। जैसे मैं बताता ही हूँ कि मैं जो है रियल टाइम में इंग्लिश से अपनी हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है। तो ये मेरे पास इंग्लिश की ट्रांसलेशन है जिसमें मैंने कीवर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं। तो कई बार हो सकता है कि मैं कई मीनिंग गलत बोल दूँ, तो माफ़ करना उसके लिए। पर मेरी कोशिश रहती है कि जो बुक में लिखा है मैं उसको अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो आज का जो चैप्टर है वो है हाउ टू सेपरेट टास्क। तो शुरू करते हैं। तो फिलोसफर यहाँ पे बोलता है कि एक बच्चा है जिसको पढ़ाई में बड़ा मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल से वो पढ़ाई करता है, और वो अपने क्लास में अटेंशन नहीं दे पाता और होमवर्क में अपना ढंग से नहीं कर पाता, और अपनी बुक्स भी वो स्कूल में ही भूल जाता है। तो तुम क्या करोगे अगर तुम उसके फादर हो, है ना? तो यूथ बोलता है कि मैं हर एक ऐसी चीज़ करूँगा जो उसकी कंडीशन सुधार सके। मैं उसकी उसके लिए ट्यूटर हायर करूँगा या उसको स्टडी सेंटर में भेजूंगा, और अगर मैं उसके कान भी खींचने पड़े मुझको, मैं वो भी करूँगा, यानी ज़बरदस्ती भी करने पड़े। तो मैं कहूँगा, यानी यूथ कह रहा है कि ये पेरेंट की ड्यूटी है, और मेरे को भी मेरे माता पिता ने ऐसे ही रेस किया है। तो मैं तब तक नहीं खाना खा पाता था जब तक कि मैं उस दिन का काम ख़त्म कर लेता था। तो फिलोसफर बोलता है कि चलो मैं एक तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इस तरीके से पढ़ाई करने में तुम्हें मज़ा आया, कि तुमने इस तरह तुम्हें ट्यून किया गया कि जब खाना तभी मिलेगा जब तुमने ये काम किया, कब तुम्हें मजा आया ऐसे पढ़ने में? सॉरी। तो युवा बोलता है कि नहीं, बदकिस्मती से नहीं, बस मैंने वो ही कहते हैं ना, स्कूल के लिए पढ़ा और एग्जाम के लिए रूटीन वे में पढ़ा, मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं दिए कि चलो पढ़ लिया एग्जाम पास कर दिया। फिर फिलोसफर ने बोला ठीक है, तो मैं इसके बारे में एडलीरियन साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बोलता हूँ कि जब हमने टास्क ऑफ स्टडी को कन्फ्रंट करना है, फॉर एग्जाम्पल, तो हमने पहले ये क्वेश्चन करना है कि ये टास्क है किसका, मतलब ये कार्य है किसका, ये पढ़ाई करना किसका काम है। तो यूथ बोलता है किसका काम? तो फिलोसफर बोलता है कि बच्चा पढ़े या ना पढ़े, या वो बाहर जाए या वो अपने दोस्तों के साथ खेले या ना खेले, ये सारा का सारा उसका टास्क है, ये उसके पेरेंट्स का टास्क नहीं है। तो यूथ बोलता है कि इसका मतलब ये है कि ये सब चीज़ें बच्चे का टास्क है, नॉट मेरे, मतलब उसी चीज़ को रिपोर्ट करता है, रिपीट करता है। तो दार्शनिक बोलता है हाँ, सिंपल भाषा में हाँ, तो इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा अगर पेरेंट्स जो है बच्चे के बजाय स्टडी करें, यानी स्टडी तो बच्चे की है तो पेरेंट्स क्यों करेगा? तो युवा बोलता है कि हाँ सही बात है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो फिलोसफर बोलता है कि जो पढ़ना है, पढ़ाई है, वो बच्चे का टास्क है। तो अगर एक पेरेंट अपने बच्चे की स्टडी में उसमें कोई कमांड दे रहा है, उसको बांध के रख रहा है, तो बेसिकली वो उस बच्चे के टास्क को इंट्रूड कर रहा है, यानी उस बच्चे के टास्क में कोई पाबंदी लगा रहा है। तो इस तरीके की अगर हम प्रिंसिपल्स या इस तरह का वे हम फॉलो करें, तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोलिजन पैदा कर रहे हैं वहां पे। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये टास्क किसका है, और अपने टास्क को उसके टास्क से अलग रखना पड़ेगा। तो युवा बोलता है कि इस तरह हम टास्क को अलग कैसे रख सकते हैं? तो फिलोसफर बोलता है कि सिंपली किसी के टास्क में इंट्रूड ना करो, किसी के टास्क में बाधा मत बनो। तो युवा बोलता है कि दैट्स इट, सिर्फ इतनी सी बात है। तो फिलोसफर बोलता है हाँ, कि
जनरली हम बोले कि सारे जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम है वो किसी के टास्क में बाधा डालने से पैदा होते हैं, या फिर कोई आपकी टास्क में बाधा दे। और अगर हम सेपरेशन ऑफ टास्क को अच्छे से सीख जाते हैं तो हम अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को भी बेहतर तरीके से यूज करना सीख पाते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए कि आप कहीं भी किसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वाली सिचुएशन को लेके देखिए कि मैं मान लो यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, है ना, ये बुक पढ़ रहा हूँ, और मेरे कमरे में कोई आ जाए तो मेरा टास्क है ये बुक पढ़नी, और वो वहाँ पे आ जाए, और इस तरह के सिचुएशन में क्या होता है कि वो सुनेगा यार कितनी ज्ञान की बातें कर रहा है, तो आके वो इंट्रूड करना शुरू कर देगा। उसको लगेगा ये कि पढ़ रहा है, चल बाहर चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो कि बेसिकली किसी तरीके से मेरे टास्क में बाधा डालना चाह रहा है या हटाना चाह रहा है। ठीक है, उसके क्या कारण हो सकते हैं वो अलग अलग, आई डोंट नो। तो अब वो उसने बाधा डाली मेरे टास्क में, तो यहाँ से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम शुरू हो गई, और उसके साथ कितनी सारी चीज़ें और जुड़ गई कि यार पता नहीं क्यों कह रहा है, मे बी उसको पसंद नहीं है कि मैं फ्री, मतलब वो फ्री है और मैं काम कर रहा हूँ, तो इसको अच्छा नहीं लग रहा, चल ये क्यों प्रोडक्टिव काम कर रहा है, मैं मेरे साथ बाहर चले, मज़ा ले ज़िंदगी का, है ना, जो कि पता नहीं है कि नहीं है। तो खैर इस तरह से तो युवा आगे बोलता है कि मुझे ये बात अच्छे से समझ नहीं आई। सबसे पहले तुम ये कैसे बता सकते हो कि ये टास्क किसका है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि बच्चे को पढ़ाना ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, और कोई भी जो बच्चा है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ता। आपने देखा है कोई बच्चा जो मनोरंजन के लिए पढ़ता है? तो एक पेरेंट्स तो होना ही चाहिए, जो एक चाइल्ड का गार्डियन होना चाहिए कि वो बता सके कि ये तूने करना है और ये नहीं करना है। तो फिलोसफर बोलता है कि इसको समझने का बड़ा सिंपल टास्क है। ऐसे सोचो कि ये जो भी उसने चॉइस बनाई है, यानी मान लो पढ़ाई करने की या नहीं करने की, इसका बेनिफिट किसको मिलने वाला है, इसके रिजल्ट से कौन सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? ऑब्वियसली बच्चा। तो जिस टास्क के रिजल्ट से जो प्रभावित होगा वो उसका टास्क है। तो जब बच्चे ने ये चॉइस ले ली है कि वो नहीं पढ़ेगा तो वो उसका डिसीजन है, और अगर वो स्कूल में नहीं जाना चाहता या तुम कुछ भी कर लो, मतलब वो कितनी भी बुरी चीजें करना चाहता हो, बुरी मतलब पेरेंट्स के परस्पेक्टिव से, स्कूल नहीं जाना चाहता, क्लास में नहीं रहना चाहता, होमवर्क नहीं करना चाहता, ये उसका डिसीजन है। ये पेरेंट्स को उसमें कोई पेरेंट्स को उसमें कोई योगदान नहीं देना चाहिए उस टास्क में, क्योंकि ये बच्चा है जिसने ये सारी चीजें रिसीव करनी है, ये पेरेंट्स ने नहीं रिसीव करनी है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई करना सिर्फ और सिर्फ बच्चे का टास्क है। तो युवा बोलता है नहीं, तुम बिल्कुल गलत हो, जो पेरेंट्स हैं उनको जिंदगी का ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो गार्डियन भी हैं उसके, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे बच्चे का वो ख्याल रखें, और बच्चे को कभी भी इस तरह की सिचुएशन जो है अराइज ना हो, बच्चा कभी भी इस तरह की सिचुएशन में ना फंसे। और अगर बच्चे के लिए हम कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो बेसिकली वो इंट्रूड नहीं कर रहे, हम उसकी लाइफ में बाधा नहीं डाल रहे। पर स्टडिंग, पढ़ाई करना बच्चे का टास्क हो सकता है, बट बच्चे को पढ़ाई करवाना ये पेरेंट्स का टास्क होता है, ये यूथ सोचता है। तो फिलोसफर बोलता है ये सही है, तुमने पेरेंट्स को बोलते हुए भी सुना होगा बच्चे को कि भाई ये जो भी तू कर रहा है ये तेरे अपने भले के लिए है। हमने बहुत बार सुना होगा, काम नहीं कर रहे तो दो चपेड़े लगा के बोलेंगे कि भाई कर ले, ये तेरे लिए कर रहे हैं, तू अपने लिए कर रहा है ताकि तेरा फ्यूचर जो है बहुत अच्छा हो। मुझे याद है मेरी मम्मी मेरे को मारती होती थी और ऐसे समझाती होती थी। तो पर अब दार्शनिक के हिसाब से, पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपने गोल फुलफिल करना चाहते हैं हमारे जरिए। क्योंकि आप यानी बच्चा क्या बन रहा है सोसाइटी में, ऑब्वियसली पढ़ाई से बनेगा वो, तो उनको लगता है कि जो मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से ये कुछ बन जाएगा लाइफ में, और हमें
रिवॉर्ड मिलेगा कि लोग हमें प्रशंसा करेंगे कि आपका बेटा ये है, आपका बेटा वो है, तो इनडायरेक्टली वो अपने आप को सोसाइटी की आंखों में अच्छा दिखाना चाहते हैं इन फ्यूचर, इसलिए वो ये सब कह रहे हैं। और दूसरा, वो उनमें एक डिजायर फॉर कंट्रोल की एक प्रवृत्ति है जो हर एक में होती है, तो वो कंट्रोल अपना रखना चाहते हैं बच्चे पे, चाहे माता है या पिता है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो हम कह रहे हैं कि इट इज़ फॉर योर ऑन गुड, ये बच्चे के अच्छे के लिए नहीं है, बट ये पेरेंट्स के अच्छे के लिए है, पेरेंट्स अपने अच्छे के लिए ये लफ्ज़ बोलते हैं। और जब बच्चा इस डिसेप्शन को समझता है, इस धोखेबाजी को समझता है, तो वो विद्रॉ करता है, रिबेल करता है, वो कहता है नहीं मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना। ये सब मतलब सबकॉन्शियस लेवल पे चलता रहता है, ये हम डायरेक्ट नहीं सोच पाते कि यार वो बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, और बोलेगा मैंने नहीं पढ़ना, पढ़े तो मन से नहीं वो पढ़ पाता। और तो इसमें एक फर्क है कि आप किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़वा सकते ना कोई चीज, आप उसको जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। इसके बारे में भी डिस्कशन है, तो फिलहाल के लिए आगे ही बढ़ते हैं। तो युवा फिर बोलता है कि अगर बच्चा बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर रहा, तो तुम ये कह रहे हो कि सिंस ये उसका टास्क है, तुम्हें बस उसको जैसा है उसको रहने देना चाहिए, तुम्हें इंटरवीन नहीं करना चाहिए। तो फिलोसफर बोलता है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही अटेंशन नहीं देनी है, अटेंशन देनी है। सो एडलेरियन साइकोलॉजी नॉन इंटरफेरेंस अप्रोच को रिकमेंड नहीं करती है। नॉन इंटरफेरेंस अप्रोच है ना जानने की अप्रोच, जिसमें बच्चा कुछ भी कर रहा है उसको तुमने इग्नोर करना है कि हाँ पता नहीं क्या कर रहा है, जस्ट इग्नोर। पर जो एडलेरियन साइकोलॉजी के हिसाब से है कि ऐसी चीज़ों में ध्यान रखना जिससे हम बच्चे को प्रोटेक्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर पढ़ाई करना एक इशू है, तो बच्चे को ये बताना कि भाई पढ़ना तेरा टास्क है, और जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी किसी चीज़ में, पढ़ाई में, मैं हमेशा तेरी मदद करने के लिए रेडी रहूंगा। पर बच्चे के टास्क में कभी भी इंट्रूड या बाधा नहीं डालनी है। जब तक कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाती, जैसे बच्चे ने जब तक हेल्प नहीं मांगी, तो वो जैसा कर रहा है उसको करते रहने देना चाहिए, ये दार्शनिक कह रहा है। तो युवा बोलता है क्या ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के परे भी जाता है, क्या इसके बाहर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं? तो फिलोसफर बोलता है हाँ, एडलीरियन साइकोलॉजी में काउंसलिंग, जैसे कि हम कभी ये नहीं सोचते कि जो भी काउंसलर और क्लाइंट बात कर रहा है उससे क्लाइंट चेंज होगा ही होगा। क्लाइंट का चेंज होना या ना होना ये उसका टास्क है, वो काउंसलर का नहीं है। तो युवा बोलते हैं ये तुम क्या कह रहे हो? कि दार्शनिक बोलता है कि जब तुम काउंसलिंग लेते हो, तो क्लाइंट किस तरह का रेजोल्यूशन बनाता है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना या लाइफस्टाइल चेंज ना करना, ये क्लाइंट का टास्क है, ये काउंसलर का टास्क नहीं है, काउंसलर इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। तो युवा बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं एक्सेप्ट कर सकता। बड़ा सीधा है कि हम कभी किसी काउंसलर के पास गए, हमने उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर की, और वो सुन रहा है अपनी बातें, दो चार बोल रहा है, वो काउंसलर का टास्क नहीं है कि वो अपनी हमारी ज़िंदगी में चेंज लेके आए, वो हमारा टास्क है एज ए क्लाइंट कि वो हम चेंज ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। बट हम सोच लेते हैं कि यार मैं बार बार इसके पास जा रहा हूँ और मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा है ना, और उसके हम सोचते हैं कि दवाई की तरह काम नहीं कर रहा, कि दवाई खा ली दर्द हट गया, ऐसे नहीं होता। तो काउंसलर से बात करने से हमें बस एक दिशा मिलती है, हम अपने जो विचारों को हैं वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, जब हम ऑर्गेनाइज कर पाते हैं तो एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और धीरे धीरे हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं। तो बात ये है कि हम अपने एंड पे किस तरह अपने टास्क को यूटिलाइज कर रहे हैं। तो दार्शनिक बोलता है कि प्राकृतिक तौर पर हम उस बंदे को हर तरह की असिस्टेंस देते हैं जितनी हम दे पाएं, पर उसके बाद हमें इंट्रूड नहीं करना चाहिए, हमें उसमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। तो
तो तुमने ये तो सुना ही होगा कि तुम एक घोड़े को पानी के पास तो लेके जा सकते हो, पर तुम उसको पानी पिला नहीं सकते। तो काउंसलिंग को या और भी इस तरह की सिचुएशन को तुम इस तरीके से सोचो कि एडलीरियन साइकोलॉजी इस तरीके को फॉलो करता है कि अगर तुम अगले बंदे की इंटेंशन को इग्नोर करके तुम उसमें फोर्स करोगे कुछ चीजें, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें बस वहां पे विवाद ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो युवा बोलता है कि काउंसलर जो है क्लाइंट की लाइफ चेंज नहीं करता। तो दार्शनिक बोलता है कि सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हारी लाइफ जो चेंज कर सकता है। तो यहीं पे ये चैप्टर जो है खत्म होता है। तो मैं यहाँ पे बोलूं कि जो घोड़े और पानी वाली बात है कि आप किसी, जैसे हमारे वहां एग्जाम्पल देते थे कि तू खोते नू पठिया कोल तो ले जा सकता, पर पठे उधर मुंह च नहीं पा सकता, यानी चारा जो है वो तुम उसके मुंह में नहीं डाल सकते। तो वही बात है कि तुम किसी को दिशा दिखा सकते हो, बट तुम उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तुमने इस पे चलना ही चलना है। वो उसका टास्क है, तुम्हारा टास्क है दिशा दिखाना, असिस्ट करना। तुम उसको जबरदस्ती उसके मुंह में खाना नहीं खिला सकते, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अपनी लाइफ में जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला चैप्टर है डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क, यानी दूसरों के जो टास्क हैं दूसरे लोगों के, उनका बहिष्कार करो। तो आगे पढ़ते हैं। तो युवा बोलता है कि शट इन्स के बारे में क्या तुम बोलोगे? जैसे मेरा फ्रेंड जिसने अपने आप को कैद कर लिया है एक कमरे में, तुम उसको सेपरेशन ऑफ टास्क के साथ कैसे जोड़ोगे कि तुम जैसा वो कर रहा है उसको करने दे और उसमें इंटरवीन मत करें? तो क्या उसका कोई कनेक्शन नहीं है पेरेंट्स से? क्या पेरेंट्स को उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए? तो दार्शनिक बोलता है कि क्या वो अपनी कैद खाने की सिचुएशन से निकल सकता है या नहीं निकल सकता है, और किस तरह का वो तरीका अपना सकता है? इन प्रिंसिपल ये उसका टास्क है सोचने के लिए, ये कोई उसके लिए नहीं सोच सकता। जैसे पेरेंट्स इसमें इंटरवीन नहीं कर सकते, फिर भी मैं ये कहूँगा कि वो कम्प्लीटली स्ट्रेंजर्स नहीं है। जो पेरेंट्स है वो अजनबी नहीं है, वो जानते एक दूसरे को, उन्होंने उसको पाला है, तो एक स्पेशल कनेक्शन है। तो किसी तरह की असिस्टेंस की जरूरत तो जरूर है पेरेंट्स के द्वारा। पर इस पॉइंट पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो बच्चा है वो फ्रैंकली अपने पेरेंट्स से बात कर सकता है या नहीं कर सकता है, जो भी उसको डायलमा फील हो रहा है, क्या वो उसके बारे में बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर उसके पेरेंट्स के साथ उसका ट्रस्ट रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब उन्होंने जो भी बनाया हुआ है थ्रू द टाइम रेगुलर बेसिस पे बात करके, वो कैसा है ये इस पर निर्भर करता है। तो युवा बोलता है कि चलो छोड़ो, अगर तुम ऐसे सोचो कि तुम्हारा ही बच्चा है जिसने अपने आप को कैद कर लिया है, तो तुम क्या करते? अब तुम इसके बारे में एक एक माता पिता एक माता पिता के लहजे से आंसर देना, ना कि तुम एक फिलोसफर के लहजे से आंसर देना। तो फिलोसफर बोलता है, पहले तो मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि ये जो टास्क है ये बच्चे का है, और मैं इसमें इंटरवीन करने की कोशिश जो है नहीं करूंगा, और मैं ज्यादा फोकस करना भी इस पे बेहतर नहीं समझूंगा, मैं उसको अवॉइड करूंगा। इसके बाद मैं उसको बताऊंगा कि भाई जब भी तुम्हें जरूरत हो किसी चीज की तो मैं यहां हूं, तुम मेरे को रीच कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स में एक बदलाव सेंस करेगा, और अब उसके पास कोई चांस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है अपने डिसीजन लेने के बजाय। तो वो आएगा, असिस्टेंस मांगेगा और अपने आप उस सिचुएशन से निकलने की कोशिश जो है वो करेगा। तो युवा बोलता है, क्या तुम सच में इस तरीके का ड्राई बिहेवियर अपने बच्चे के साथ कर सकते हो अगर वो अपने आप को कैद कर लिया है? सुनने में अजीब लगता है। तो दार्शनिक बोलता है कि एक पेरेंट इस रिलेशनशिप में, जैसे बच्चे के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें सफर करता है, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मेरा बच्चा ही मेरी जिंदगी है। हम हर पेरेंट्स ऐसे ही सोचता है, अगर आप अपने माँ बाप
किसी को भी सोच लो, कोई बड़ा है और उनकी उनके बिहेवियर को स्टडी करो, तो आपको लगेगा कि उनको लगता है कि मेरा बच्चा ही मेरी ज़िंदगी है। तो दूसरे शब्दों में कहें कि जो बच्चे के टास्क हैं, उन्हीं टास्क को पेरेंट अपने टास्क बना लेता है। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बच्चे की जो इंडिविजुअलिटी है उसको वो इग्नोर कर देता है। और हम ये भी सोचते हैं कि हम जब हम पेरेंट्स की बात करते हैं, हम देखते हैं कि उनके अंदर वो आई की भावना नहीं रही है, कि अब उनमें वो नहीं रह गया कि मैं ये करूँगा लाइफ में, मैं वो करूँगी लाइफ में। उनका बस एक ही एक पॉइंट है कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरे बच्चे की शादी होगी, मेरे बच्चे के बच्चे होंगे, मेरा बच्चा ये जॉब लगेगा, बस इसी के इर्द गिर्द वो जो है लाइफ घूमती रहती है। तो जितना भी ये सब के बावजूद, जितना भी कोई पेरेंट अपने बच्चे के टास्क का बोझा भोटा बोझा लेता रहे, ढोता रहे, जो बच्चा है वो अभी भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है, ठीक है। और बच्चे कभी भी वो नहीं बनते जो उसके पेरेंट्स उनको बनाना चाहते हैं। ये हम सबको पता है कि हमारी अपनी चॉइसेस होती हैं, मतलब पेरेंट्स भी कभी बच्चे थे, हम सबकी अपनी चॉइसेस होती है जो हमें बनाती हैं। हमारी यूनिवर्सिटी की चॉइसेस, हमारी एम्प्लॉयमेंट की चॉइसेस, हमारी मैरिज की चॉइसेस, और हम क्या बोलते हैं, हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स की तरीके से करें। तो प्राकृतिक तौर से हम कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स हैं इसके बारे में ज़रूर चिंतित होते हैं, और वो कई बार इंटरवीन भी करना चाहते हैं इन चीज़ों को, उनको लगता है कि ये चीज़ें मेरे हिसाब से चलें। पर जब मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि दूसरे लोग तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को संतुष्ट करने के लिए नहीं जी रहे, तो इसलिए बच्चे की जो अपनी ज़िंदगी है, और वो यानी ही और शी, वो किसी की एक्सपेक्टेशन, किसी की पेरेंट बनने की एक्सपेक्टेशन के लिए नहीं जी रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, लाइन बाय लाइन जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता है फ्लो मेंटेन कर पाना। तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि हम अपनी लाइफ में देखें कि हमारे माता पिता, उनकी जो ज़िंदगी है हमारे ही इर्द गिर्द घूमती है, और इसीलिए वो हमारे जो लाइफ टास्क में वो इंटरवीन करते हैं कि तुमने शादी किससे करनी है, किस सेक्ट में करनी है, किस नौकरी वाले लड़के के साथ करनी है, ये सारी चीज़ें वो हमारा बेहतर ही सोचते हैं। बट बैकग्राउंड में हम कह सकते हैं कि वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारी समाज में उनको एक वो, अगर वो एक अच्छा डिसीजन लेंगे समाज के हिसाब से तो उनको बड़ा मान सम्मान मिलेगा, ठीक है। मान लो अपने सेम कास्ट सेम धर्म में शादी की तो उनको समाज जो है एक्सेप्ट करेगा, बट अगर आउट ऑफ द कास्ट और आउट ऑफ द रिलीजन उन्होंने शादी की वो कभी अलाउ नहीं करेंगे, और क्योंकि उन्हें लगेगा कि ये जो समाज में उनका जो है निरादर होगा, समाज में उनका मान सम्मान कम हो जाएगा, तो वो ऐसी चॉइसेस को कभी भी अलाउ नहीं करेंगे। पर अगर हम बच्चे की पर्सपेक्टिव से देखें, एक इंडिविजुअल की पर्सपेक्टिव से देखें, तो पार्टनर चूज करना उस बंदे का टास्क है ना, चाहे वो गलत चूज करे चाहे वो सही चूज करे, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस है लाइफ में, जो भी उसने डिसीजंस लेने हैं उसी के तरीके से उसने अपना एक्सपीरियंस गेन करना है। बट वो अगर पेरेंट्स की कहे से हमेशा चलता जाएगा, मे बी वो सक्सेसफुल हो जाए क्योंकि उसने, उसके पेरेंट्स के पास वो यू नो वेल्थ थी या रिसोर्सेस थे जिसको वो आगे यूटिलाइज कर पा रहा है, पर शायद वो कभी बंदा खुद से खुश नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें ये रहेगा कि यार मैंने अंदर से क्या किया है, मैं क्या हूँ अंदर से। तो इसलिए बेहतर रहता है कि जिस बंदे का जो टास्क है वो उसको ही देना चाहिए, उसको ही करने देना चाहिए। असिस्ट कर सकते हैं कि जब वो असिस्टेंस मांगे, बट जो उसकी चॉइसेस हैं अल्टीमेटली उसकी चॉइसेस हैं, उनके उसके डिसीजन हैं। तो पेरेंट्स को ऐसा सोचना बंद कर देना चाहिए कि ये बच्चा मेरे अकॉर्डिंग लाइफ जिए, कि मेरे को सेटिस्फाई करे, और बच्चे को ये सोचना बंद कर देना चाहिए कि मेरा यही टास्क नहीं है कि बस मैंने दूसरों को ही एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई करते जाना है, यानी इस केस में पेरेंट्स को। तो आगे युवा बोलता है कि
ये सारी जो भी कॉन्वर्सेशन हुई यहाँ से पता लगता है कि इसका मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड में ना एक लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे शुरू करना है, कहाँ पे वो इंटरवीन जो है रुकना चाहिए। तो फिलोसफर बोलता है एक्चुअली जो फैमिलीज में जो रिलेशनशिप होते हैं ना उनमें दूरियां कम होती हैं, तो इसलिए बड़े ही ध्यान से जो सेपरेशन ऑफ टास्क है उसको अप्लाई करना चाहिए, करना पड़ता है। तो युवा बोलता है कि ये कोई सेंस नहीं हो रही, एक तरफ तुम बोल रहे हो जैसे पिछली नाइट में हमने बात की थी कि उसने प्यार के बारे में, टास्क ऑफ लव के बारे में बात की थी, और आज तुम उसको डिनाई कर रहे हो। और अगर तुम अपने बीच और उन लोगों के बीच, फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स के बीच में लाइन ड्रॉ करते हो तो तुम उन पे कभी भी विश्वास नहीं कर पाओगे। जब हमने एक लाइन ही खींच दी तो विश्वास कैसे कर पाएंगे? तो फिलोसफर बोलता है कि देखो जो विश्वास करना है वो भी सेपरेशन ऑफ टास्क है। सेपरेशन ऑफ टास्क को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझो, तुम आप अपने पार्टनर पे बिलीव कर रहे हो ये भी तुम्हारा एक टास्क है, और परंतु जो दूसरा बंदा है वो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन पे कैसा उतर रहा है ये दूसरे लोगों का टास्क है। जब तुम अपनी विशेष बिना लाइन के एक्सपेक्ट करते हो तो तुम एक तरीके से इंटरवेंशन वहां पे पैदा कर रहे हो या तुम उसमें बाधाएं डाल रहे हो। जैसे तुम्हारा पार्टनर ने ऐसे बिहेव नहीं किया जैसे तुम चाहते थे, क्या तुम फिर भी उस पे विश्वास कर सकोगे? तुम फिर भी उसको प्यार कर सकोगे? तो ये जो टास्क ऑफ लव है, जब हम एडलर की बात करते हैं, इसमें इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो युवा बोलता है दैट्स वेरी डिफिकल्ट, ये जो तुम जो बोल रहे हो वो बहुत मुश्किल है। तो बेसिकली जो फिलोसफर जो एग्जांपल दे रहा है कि एक लाइन होनी चाहिए, बट बिलीव करना भी एक टास्क है। जैसे मान लो मियाँ बीवी है ना, वो कुछ ना कुछ सारा जिंदगी उन्होंने एक दूसरे के साथ व्यतीत करनी है, सारा दिन उन एक दूसरे के साथ होते हैं, तो वो हर वक्त किसी, चाहे वो हस्बैंड ही है चाहे वो वाइफ ही है, वो उसके अकॉर्डिंग नहीं चल सकती है ना। उसका अपना एक मोबाइल चलाने का टाइम है, उसका अलग एक अपना अलोन टाइम है, वो उसमें रहना है, वो हर वक्त नहीं कर सकती उस चीज़ का, और कर सकती या कर सकता। पर अगर मान लो कोई ऐसी बात हुई जिसमें वो बंदा, दूसरा बंदा, मान लो मैं हस्बैंड हूँ, वाइफ है, वाइफ मेरे, मैंने जो कहा उस पर खरी नहीं उतरी या उसने वो चीज़ नहीं की, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं उससे विश्वास करना बंद कर दूँ या मैं उससे प्यार करना बंद कर दूँ? नहीं, वो एक टेम्प्रेरी सिचुएशन हो सकती है, और इवन अगर वो टेम्प्रेरी सिचुएशन नहीं भी है तो उसका भी एक राइट है मना करने का, उसका भी एक अपनी एक जिंदगी है जिसमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए, कि वो उसका अपना टास्क है। तो एक ड्रॉ लाइन इस वे में फिलोसफर जो है कहना चाहता है। तो यूथ जैसे बोल रहा था कि ये बहुत मुश्किल है, उसके बाद फिलोसफर बोलता है हाँ बिल्कुल मुश्किल है, पर तुम इसको इस तरीके से सोचो, तो इंटरवीनिंग इन अदर पीपल टास्क एंड टेकिंग ऑन अदर पीपल टास्क टर्न ऑन वंस लाइफ इंटू समथिंग हैवी एंड फुल ऑफ हार्डशिप, कि हम अगर दूसरे लोगों का टास्क ले लें तो ये एक तरीके से हमारी लाइफ को ही बहुत मुश्किल बना देता है। और अगर तुम चिंता की लाइफ या सफरिंग की लाइफ जी रहे हो जो कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से ही उत्पन्न होती है, तो तुम्हें ये सीखना पड़ेगा, ये बाउंड्री बनानी पड़ेगी कि यहां से ये मेरा टास्क नहीं है, और दूसरे लोगों का जो टास्क है उसको डिस्कार्ड करना होगा। ये सबसे पहला स्टेप है जो तुम्हारी जिंदगी का बोझ हल्का कर सकता है और तुम्हारी जिंदगी को आसान कर सकता है। तो इसमें भी हम सोच सकते हैं अपनी जिंदगी को अप्लाई करके, कि कई बार क्या होता है कि आपने वो गाना सुना होगा आई बिकम सो नम, लिंकिन पार्क का,
विच उसमें लिरिक्स थे कि एवरी स्टेप दैट आई टेक इज अनदर मिस्टेक टू यू। उसमें क्या है कि उस बच्ची के पेरेंट्स, शायद मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, उसको कंट्रोल करते थे, तो जैसे फिल्माया गया है गाना, तो एवरी स्टेप दैट आई टेक इज अनदर मिस्टेक टू यू, कि मैं जो भी करूँ वो तुम्हारे लिए एक मिस्टेक ही है, तुम्हें लगता है कि मैंने मिस्टेक ही मिस्टेक की है। तो उसको हम अगर सेपरेशन ऑफ टास्क से जोड़ें या टास्क से जोड़ें, कि वो उसका टास्क है कि वो मेरे को कैसे सोच रहे हैं, तो उसको उस पर रहने दो, मेरा टास्क है ये काम करना जो मुझे अच्छा लग रहा है। तो हमें एक ड्रॉ लाइन करनी पड़ेगी कि यहां से ये मेरा टास्क नहीं है, कि ये सोचना कि वो बंदा इस चीज के लिए क्या सोच रहा है। तो यही सबसे पहला स्टेप है, अपना जो बोझ हल्का करना और अपनी जिंदगी को आसान बनाना। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है कि तुम किस तरीके से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम से बच सकते हो।